हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ राकेश, दैट इज़ द आरडी बायो हब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सम यूजफुल एक्टिविटीज़ ऑफ रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वर गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। द फर्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट टू शो दैट, this is the aim of the activity, to show that carbon dioxide is produced during respiration, or we can say to compare the amount of carbon dioxide in fresh air and the air that is breathed out, yani ki jo air humne bahar release ki hai uske andar kitna carbon dioxide hai, bahar fresh air mein kitna hai, usko thoda sa compare karna। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑल नो कि जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट होता है उससे पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट अपना प्रॉपर सेटअप करना होता है। तो इसमें आप लोग देखिए एक्सपेरिमेंट सेटअप में हम लोगों ने क्या कर रखा है कि हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब ले रखी है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक रबर ट्यूब जो है, एक हम लोग बोल सकते हैं पिस्टन टाइप की होती है जिसको सिंपल हम पिचकारी बोल सकते हैं, उस टाइप का जो होता है अपना ये हम लोगों ने यूज़ कर रखा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द टू टेस्ट ट्यूब एंड लेबल दम एज ए एंड बी। ये देखिए यहाँ पे हमने लेबल कर रखा है, इसको लेबल कर रखा है ए और इसको लेबल कर रखा है हमने बी। दोनों को हमने अलग अलग जो है बेसिकली लेबल आउट कर दिया। एंड इन बोथ टेस्ट ट्यूब वी फिल दैम विद द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, यानी कि लाइम वाटर को हमने सोल्यूशन डाला है और वो दोनों टेस्ट ट्यूब में 3/4 जो पोर्शन है वो हमने उसको कवर अप कर दिया। एंड देन वी क्लोज द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब विद कॉर्क हैविंग अ थिन होल, यानी कि जो कॉर्क है वो देखो इसके अंदर शो नहीं कर रखा है। तो कॉर्क कैसे होता है अपना, इस तरीके से ये हम लोग यहाँ पे जो है उसको डाल देंगे। इसमें देखिए होल है, उस होल के थ्रू हमारी जो रबर ट्यूब्स हैं वो क्या करेंगी, जो ट्यूब्स हैं वो एंटर कर रही हैं, ठीक है। जब वो इसके अंदर एंटर कर रही हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पाथवे बचा है, किसके लिए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। नाउ वी कैन इंसर्ट अ सिरिंज, यहाँ पे हम लोग सिरिंज का यूज़ कर सकते हैं विद अ पिस्टन। और अगर सिरिंज नहीं है एंड यू आर वांट टू डू द सेम एक्सपेरिमेंट इन योर ओन हाउस, देन यू कैन यूज़ द पिचकारी विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन द इंडियन ट्रेडिशनल, हम लोग होली पे है बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, उसको भी आप लोग जो है कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट वन थिन ग्लास ट्यूब इन बी थ्रू कॉर्क, दूसरे से हमें सिर्फ एक ट्यूब एंटर करनी है। इसमें हमने क्या किया ए वाले में कि हम लोगों ने एक सिरिंज या फिर हम लोगों ने एक पिचकारी का यूज़ किया है, और बी वाले में हमने क्या किया, सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब को एंटर करवाया और कुछ नहीं हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब इस ऑपरेटर्स को जब हमने सेटअप किया है तो वन मेन थिंग इज़ वी हैव टू मेक द टोटल एक्सपेरिमेंट सेटअप टोटली एयर टाइट, ठीक है। एयर टाइट का मीनिंग क्या होता है, हमें एयर टाइट क्यों करना है। देखिए अगर हम लोग एक सिंपल हमने टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से कवर अप करा और ये देखिए आप लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखें हमने इसको अथिक कर दिया, और एक जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ से अगर इसके अंदर थोड़ा सा ये देखिए होल बचा हुआ है, लिटिल गैप है, इस गैप से क्या होगा कि एनवायरमेंट के अंदर जो गैसेस हैं वो गैसेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब जो गैसेस हैं उनके साथ क्या करेंगी, एक्सचेंज करेंगी। जिस गैस की कंसंट्रेशन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोग मान लेते हैं, अगर इसका कंसंट्रेशन इसके इनसाइड टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हाई है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो है, तो गैस क्या करेगी, अंदर से बाहर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। एंड दिस विल रिजल्ट इन द रॉन्ग कंक्लूजन, हमारा जो कंक्लूजन निकलना है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा। सो टू अवॉइड दिस वी टोटली एयर टाइट द ऑपरेटर्स। नाउ what we have to do, now we will start breathing, हम जो ब्रीद है हमारी, हमने दो प्रोसेस किए थे ब्रीदिंग के, एक होता है हमारा इन्हेलेशन जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इन्हेल करते हैं इनसाइड द बॉडी। दूसरा होता है हमारा एक्सहेलेशन जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सहेलेशन करना है, एज यू सी इन द पिक की एक्सहेलेशन करना है हम लोगों को, ठीक है। अब एक्सहेलेशन करना कैसे है, वी हैव टू ब्लो, वी हैव टू ब्रीथ आउट थ्रू द टेस्ट ट्यूब बी, ये जो हमने बी वाले में टेस्ट ट्यूब जो लगा रखी है, हमें सीधे क्या करना है,
कि इस टेस्ट ट्यूब में जो है ब्लो करना है। ब्लो देखिए कहाँ से करेंगे हम लोग, ब्लो इसके अंदर ब्लो होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से, टेस्ट ट्यूब से सीधा यानी कि माउथ से हम लोग एयर को बाहर की तरफ एक्सपेल करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इस एयर जो हमने एक्सपेल की है वो सारी की सारी क्या हो रही है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब सारी कहाँ आ रही है, डायरेक्टली इनटू द लाइम वाटर। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर है सीधा उसके अंदर एंटर कर रही है। दूसरा, टेस्ट ट्यूब ए में क्या हो रहा है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए में जो फ्रेश एयर है कहाँ पर थी, हमारे इस सिरिंज के अंदर इस पॉइंट तक प्रेजेंट है, हमने उसको एंटर किया, फ्रेश एयर थी। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर कोई मच जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, ठीक है। अब इसके ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन हम आगे स्टडी करते हैं। तो ये जो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट था इसमें हमने इसको पूरा सेटअप करके छोड़ दिया। अब हमें मेन देखना क्या है, व्हाट वी हैव टू कंक्लूड, मेन कंक्लूजन हमने क्या देखना है कि ये जो हम लोगों ने एयर एंटर करी है इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में, इसके अंदर क्या होगा, जब हमने एयर को ब्लो किया इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी, देन व्हाट विल हैपन दिस, क्या दोनों के अंदर सेम प्रोसेस फॉलो हुआ या देयर इज़ अ लिटिल बिट चेंज इन बोथ ऑफ देम। नाउ द व्हाट इज़ द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस अबव स्टेट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या निकलेगी इसमें, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए longer to 10 milky, ये milky, ये जो lime water इसके अंदर है ये कैसा होता जा रहा है हमारा, ये milky में convert हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये slowly convert दोनों हो रहे हैं but इसके अंदर process कैसा है, slow, and the process taking in this it is quite fast, यानी कि दोनों का जो rate है वो differ करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर amount of carbon dioxide जो fresh air है उसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लेस है, बट व्हेन वी ब्लो द एयर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हायर है इसके अंदर। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज फास्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड द प्रोसेस इज स्लो इन टेस्ट ट्यूब ए। अब इसके मेन एक्सप्लेनेशन क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि वो मिल्की में टर्न हो रहा है, लेट अस सी। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, इट स्टार्ट डिजॉल्विंग द लाइम वाटर, ये क्या करेगी, लाइम वाटर को डिजॉल्व करना स्टार्ट कर देगी एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, किसको बना रही है, कैल्शियम कार्बोनेट को बनाएगी, एंड द कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट टोटली डिजॉल्व इन वाटर, वो वाटर में टोटली डिजॉल्व नहीं होगा, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज अवर मेन एक्सपेरिमेंट। नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट वी हैव टू स्टडी इज अबाउट द फर्मेंटेशन। एज यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज दिस रेस्पिरेशन टेक इन प्ले इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है ये हमारा प्रोसेस कवर अप होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एज फार एज वी स्टडी इन द प्रीवियस वीडियोज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन क्या हो जाएगा हमारा, अगर फर्मेंटेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसके अंदर हमारा रिजल्ट क्या होगा इन केस ऑफ प्लांट। देखिए हमारे दो अलग अलग बनते हैं इसके अंदर, सॉरी फर्मेंटेशन अगर हम लोग करवाते हैं तो फर्मेंटेशन के अंदर हमारे दो अलग अलग पॉइंट आउट होंगे, वो दोनों पॉइंट कौन से होंगे हमारे, इफ़ इट टेक प्लेस इन प्लांट्स एंड इफ़ इट टेक प्लेस इन एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर अगर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है देन व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट, द एंड प्रोडक्ट इज इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल क्या है भाई, एक एल्कोहल है, एंड इन एनिमल स्पेशली मसल सेल्स के अंदर होता है। रीज़न क्या होता है मसल सेल्स के अंदर, ये बनाएगा हमारा लैक्टिक एसिड। नाउ व्हाई बोथ हैव डिफरेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, दोनों के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट डिफरेंट एंड प्रोडक्ट क्यों बने, रीज़न क्या है। देखिए प्लांट के अंदर की अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो प्लांट्स के अंदर एक कंडीशन हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए वाटर
लॉगिंग कंडीशन। ठीक है, वाटर लॉगिंग कंडीशन में एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग, हो क्या रहा है। सिंपल, एक प्लांट को अगर हम लोग देखते हैं इस तरीके से, उसकी रूट्स हैं, एक्सेस ऑफ वाटर अगर इस प्लांट को मिल जाती है तो सराउंडिंग एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन इन द सराउंडिंग एरिया, एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर तो उससे क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट है दैट विल एस्केप, वो निकल जाएगी एंड नो एयर स्पेसेस वर देयर। अगर एयर स्पेसेस नहीं होंगे तो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, टोटली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे फिर हमारा प्रोडक्ट कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, इन केस ऑफ प्लांट क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे प्लांट के, स्पेशली रूट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस द इथेनॉल। ओके, देन नेक्स्ट हमने किसके बारे में स्टडी किया है, आई हैव टोल्ड यू दैट इन केस ऑफ एनिमल, एनिमल्स के अंदर या हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ, एज यू ऑल वर गेटिंग लेजी। ठीक है भाई, नॉर्मली स्कूल में जाते थे तो हम लोग थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते थे, स्पोर्ट्स में चले गए, ठीक है, या लाइब्रेरी में चले गए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर उधर हम लोग घूमते थे। बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड व्हाट विल हैपन, वी ऑल आर बिकम लेजी। हम लोग क्या करते हैं, बस हाथ में मोबाइल है, बैठे हुए एक जगह पे, या अपना लैपटॉप ले लिया या बुक्स ले लिया, हम एक जगह पे बैठे हुए, टोटली सिटिंग एट अ प्लेस। ठीक है, तो बेसिकली व्हेन समवन फोर्स, आपको कोई फोर्स करता है कि नहीं आप जो है मॉर्निंग में जॉगिंग करें या इवनिंग में वॉक कर गए आप बेसिकली, एंड द फर्स्ट डे यू गो फॉर अ वॉक अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 30 मिनट्स, 30 मिनट्स की वॉक पे गए, व्हेन यू केम बैक यू जस्ट फील कि एट द लोअर पोर्शन ऑफ द नी, इस पोर्शन पे आप कहते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है। इफ़ यू आर डूइंग वेरी हैवी एक्सरसाइज देन ऑल्सो यू फील दैट द शोल्डर पोर्शन जो है वहाँ पे भी हमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न, इसका रीज़न क्या होता है कि हमारी जो मसल सेल्स हैं दे वर नॉट हैविंग एक्सेसिव सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो ह्यूज सप्लाई उनको चाहिए होती है ऑक्सीजन की वो उनको नहीं मिल पा रही है। एंड वॉट इज दिस हैपनिंग, ऐसा क्यों हुआ कि जब हमारी बॉडी एक्सरसाइज करती है ड्यूरिंग दैट टाइम हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बट आवर बॉडी सेल्स आर नॉट कैपेबल टू सप्लाई दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आवर बॉडी मसल्स स्टार्ट एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है लैक्टिक एसिड, एंड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बेसिकली इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा लैक्टिक एसिड के अंदर हमारा जो प्रोड्यूस होना है लैक्टिक एसिड के अंदर वो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स आने हमारे जो हैं स्टार्ट हो जाती है, बहुत दर्द होता है, अकड़न जैसा जो है हमें महसूस होता है बेसिकली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड की वजह से ये कुछ टाइम के लिए रहेगा, जैसे ही बॉडी के सेल्स को नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई होगी ये अपने आप ही वहाँ से डिजॉल्व आउट हो जाएगी, बट इफ़ इट स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम देन इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। नाउ वी विल स्टडी द एक्टिविटी बेस्ड ऑन द फर्मेंटेशन, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टडी द फर्मेंटेशन इन शुगर सॉल्यूशन और इन फ्रूट जूस। बेसिकली हमने शुगर सॉल्यूशन और फ्रूट जूस क्यों लिया है, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और फर्मेंटेशन जो होता है इसमें हमें शुगर कंटेंट जो होते हैं वो हमारे लिए नेसेसरी होते हैं। अब इसमें देखिए होगा क्या प्रोसेस के अंदर कि वी हैव टू टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड वी हैव टू फिल इट विद अ शुगर सोल्यूशन और फ्रूट जूस जो भी हमारे पास ईजिली अवेलेबल है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। देन नेक्स्ट वॉट विल हैपन, वी हैव टू एड अ पिंच ऑफ ईस्ट पाउडर। ईस्ट क्या है, ठीक है, अब पॉइंट आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ईस्ट क्या है, ईस्ट इज बेसिकली अ फंगी, ये फंगस है। अगर आपको ध्यान है लास्ट ईयर क्लास 9th में आप लोगों का चैप्टर था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर हम लोगों ने फंगस के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट जो होता है ये फंगस है एंड इट विल परफॉर्म टोटली फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर यूजिंग, वी यूजिंग द ईस्ट पाउडर। इसके अंदर इनएक्टिव, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है ईस्ट, क्योंकि उसको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए था, एक शुगर सॉल्यूशन चाहिए था। ठीक है,
वो उसको मिला नहीं, इसलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद हमने क्या किया, इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हम लोगों ने ईस्ट को डाल दिया, ठीक है, हमने ईस्ट पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर व्हाट वी आर डूइंग, देन वी वर टोटली क्लोजिंग दिस टेस्ट ट्यूब, हमने इसको एयर टाइट कॉक यूज़ किया और हमने इसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से जो है क्लोज कर दिया। व्हेन वी आर क्लोजिंग दिस, सेम वही करना है कि हमें एक होल क्रिएट करके रखना है और उस होल को हमें टोटली क्या करना है, कवर अप कर देना है। और फिर हमें क्या करना है कि इसमें से एक टेस्ट ट्यूब निकालनी है, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब को हमने क्या करना है, इस तरीके से एक यू शेप की डिलीवरी ट्यूब का हमें यूज़ करना है। और डिलीवरी ट्यूब का यूज़ करके हमने जो है एक दूसरे बीकर के अंदर उस ट्यूब को ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ड्यू टू फर्मेंटेशन, ठीक है, वो फर्मेंटेशन की वजह से यहाँ पे इस बीकर के अंदर या जो टेस्ट ट्यूब हम यूज़ करेंगे उसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, वी हैव डाउनलोडेड द वाटर, लाइम वाटर सॉल्यूशन, लाइम वाटर सॉल्यूशन हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, बेसिकली वही सेम रिएक्शन होगा कि द वाटर टर्न्स इनटू मिल्की स्लोली एंड स्लोली, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व द कलर ऑफ लाइम वाटर, लाइम वाटर का कलर चेक करना कुछ टाइम के बाद में, एंड ऑल्सो द स्मेल ऑफ द सॉल्यूशन की स्मेल कैसी है, पहले कैसी आ रही थी अब कैसी आ रही है। ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे हमारी कि जो लाइम वाटर है वो टर्न हो जाएगा इनटू मिल्की एंड द सॉल्यूशन स्मेल ऑफ एल्कोहल या स्प्रिट जैसी उसमें से स्मेल आनी जो है बेसिकली हमारी स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट दिस विल हैपन, ऐसा क्यों हुआ, इसका कंक्लूजन क्या है भाई हम लोगों के लिए, इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए बेसिकली कि ईस्ट हैज़ यूज शुगर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। एज वी ऑल नो व्हेन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज गोइंग ऑन तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर पूरे रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट के अंदर, एंड पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेसिंग चल रही है हमारी यहाँ पे। अब इस प्रोसेसिंग के साथ क्या हो जाएगा हमारा आगे जो प्रोसेसिंग है वो क्या चलेगी इसके अंदर कि इसका कंक्लूजन ऐसा क्यों हुआ, एक तो शुगर को यूज़ करा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर, ये जो बेंड ग्लास ट्यूब है जिसको हमने कहा है कि एक यू शेप की टेस्ट ट्यूब हमने जो यूज़ की है वो यू शेप की टेस्ट ट्यूब क्या करेगी, इट विल डिजॉल्व द लाइम वाटर एंड कन्वर्ट इनटू लिम्की वाटर जो कि मिल्की कलर का हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए फर्मेंटेशन। और रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, कंक्लूजन अगर पूछे कि इसका बाय प्रोडक्ट क्या निकला, किसका बाय प्रोडक्ट पूछ रहे हैं बेसिकली, देवर आस्किंग अबाउट द फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन का बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है हमारा, इट इज़ द इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्टिविटीज दैट वी हैव गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो इन द फंगस।